मध्य प्रदेश की सियासत में मची हलचल कम होने का नाम नहीं ले रही है। लगातार ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि कमलनाथ के विधायक कांग्रेस का साथ छोड़कर कमल को थामने वाले हैं, लेकिन इन कयासों पर उस वक्त विराम लग गया जब कांग्रेस ने अपने गायब विधायक का वीडियो जारी किया और इसके सामने आने के बाद बीजेपी का दिल फिर से टूट गया। कमलनाथ सरकार का क्या होगा? क्या मध्य प्रदेश में फिर बनेगी बीजेपी की सरकार? क्या ऑपरेशन कमल को मिलेगी कामयाबी? पिछले तीन दिनों से ये सवाल सूबे की सियासत को हिला रहे हैं। कभी खबर आती है कि कांग्रेस को समर्थन देने वाला एक निर्दलीय विधायक गायब है, कभी खबर आती है कि कांग्रेस विधायक बीजेपी के खेमे में जा रहे हैं। लेकिन सीएम कमलनाथ ने ऐसा कमाल किया कि ना तो विधायक खिसके और जो गायब थे उनके भी वीडियो सामने आ गए। जी हाँ, सियासी नाटक के बीच बुरहानपुर विधानसभा सीट से निर्दलीय विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा का वीडियो सामने आया है। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश के निर्दलीय विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा का वीडियो जारी करते हुए लिखा, विधायक खरीदने वालों की इज्जत सरेआम नीलाम हो रही है। वीडियो में सुरेंद्र सिंह शेरा बोलते नजर आ रहे हैं कि मेरा समर्थन कांग्रेस और सूबे के मुख्यमंत्री कमलनाथ को है। करीब एक मिनट के इस वीडियो में शेरा ने कहा है कि मैं अपनी भांजी के घर से निकला हूं, रास्ते में मुझे दो बार रोका गया और देरी कराई गई, इसके चलते मेरी फ्लाइट मिस हो गई है, लिहाजा मैं रात की फ्लाइट से जाऊंगा। मैं शुरू से ही कांग्रेस के साथ हूं, इसमें कोई डाउट नहीं है। अभी भोपाल जा रहा हूं और साहब से मुलाकात करूंगा। शेरा के इस वीडियो ने बीजेपी को ही घेर लिया है, जो दावा कर रही थी कि कमलनाथ सरकार गिरने वाली है, उसके पास किसी का समर्थन नहीं है। मगर अब दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है। ये भी साफ हो गया है कि मध्य प्रदेश के नाथ कमलनाथ ही रहेंगे और बीजेपी के अरमान आंसुओं में बहेंगे। डीबी लाइव की रिपोर्ट।